बड़ी ऑकवर्ड हो जाती हूँ जब मेरे साथ कोई फोटो क्लिक कराते हैं, मैं अपनी फोटो खिंचवाती हूँ। पर मेरा फेवरेट पोज ऐसे, मैं स्माइल ही करती हूँ और कुछ नहीं करती, कुछ स्पेशल नहीं करती ऐसे। बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और ये मेरी दूसरी फिल्म थी आफ्टर दंगल। तो मेरे लिए नवाज सर के साथ काम करना और एक ऐसी फिल्म जो रितेश बत्रा डायरेक्ट कर रहे हो और लिख रहे हो, उसमें काम करना बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था। तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे इतने बढ़िया डायरेक्टर्स और इतने अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हर फिल्म के साथ मैं कुछ नया सीखती हूँ एक्टिंग के बारे में, कुछ नया सीखती हूँ इस फिल्म मेकिंग के बारे में या फिल्मों के बारे में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके, एक्साइटेड भी थी, बहुत खुश थी, क्योंकि जैसे मैंने कहा मेरी सेकंड फिल्म है और टू गेट अ रोल ऑपोजिट नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो मुझे ये तो पक्का पता था कि मुझे बहुत सीखने को मिलेगा, मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन जर्नी होगा। पर उस एट द सेम टाइम आई वाज वेरी नर्वस, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो रितेश नहीं चाहते थे हमारे कैरेक्टर्स की वजह से हम करें। वो ये था कि वो नहीं चाहते थे कि हम पहले मिलें और एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, वो चाहते थे कि हम सेट पे ही मिलें और सेट पे ही हम पहली मुलाकात करें। दो हम मिलते रहते थे छोटी छोटी मीटिंग्स, पर कभी मैंने बैठ के उनके साथ बात नहीं करी थी। तो वही हुआ, और टू मेक माई सेल्फ कम्फर्टेबल मैंने एक दिन बैठ के उनके सारे इंटरव्यूज़ देखे एज अ रिसर्च, जब मैं अपने कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रही थी, और कोशिश करी कि मैं जानूं कि वो कैसा काम करते हैं और कैसे अपने रोल्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, दैट रियली हेल्प। बट जैसे ही मैं सेट पर गई तो ही मेड मी फील वेरी कम्फर्टेबल, ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर एंड एज अ को स्टार वो वैसा कभी वो परसोना रखते ही नहीं है कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो आपको बहुत एट ईज़ कर देते हैं। मेरा कैरेक्टर का नाम मिलोनी है। मिलोनी बहुत ही शांत लड़की है, ज़्यादा बात नहीं करती। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ बोल नहीं रही है, मे बी कुछ सोचती ना हो, बट वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोच रही होती है। वो बहुत शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट है, CA टॉप कर रही है, और एट द सेम टाइम शी ऑब्जर्व्स एवरीथिंग वेरी कीनली। तो अपने आसपास की चीज़ें हैं, उसके घर पे क्या चल रहा है, उसके पेरेंट्स उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं या उसे कैसा लगता है उन एक्सपेक्टेशंस से। हाँ, मतलब दंगल से ही काफ़ी लोग मुझे पहचानते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि एज एन एक्टर आप किन के लिए काम कर रहे हैं, आप ऑडियंस के लिए ही काम कर रहे हैं। तो आप ऑडियंस के लिए ही काम कर रहे हैं, और जब वो लोग आकर आपको बताते हैं कि उनको आपका काम अच्छा लगा और वो आपके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं, तो उससे अच्छी फीलिंग और कुछ नहीं होती। ये जो अभी एक हमने फोटो देखी रितेश जी, सो इस तरह के पोज आप ऐसे स्पॉन्टेनियस दे लेती हैं जैसे कि अभी आपने दिया, स्पॉन्टेनियस हो जाता है? ये तो मेरा बचपन का टैलेंट है, कहीं पर भी पोज देने का, फोटो खींचते समय। नहीं नहीं, आई एम रियली बैड एट गेटिंग क्लिक्ड, मुझे आई नीड टू वर्क ऑन इट। मैं बहुत घबरा जाती हूँ, ऐसे कोई कैमरा आता है तो मैं इतनी जल्दी पोज नहीं कर पाती। ये हमने शूट करी थी 2017 में, अक्टूबर में हमने 2017 में ये शूट करी थी फिल्म, और ये मेरी सेकंड फिल्म थी पोज दंगल। उसके बाद मतलब बड़ी सारी फिल्में आ गई, उसके बाद बधाई हुई, बधाई हो के बाद पटाखा हुई, पर पटाखा सबसे पहले आया। मुझे लगता है हम खुद की फ़ोटो देख के ज़्यादा जज करते हैं, लोग इतना कुछ हमारी चीज़ों को जज नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है हाय मेरे बाल नहीं ठीक लग रहे, पर वो दूसरे लोग नहीं देख पाएंगे कि वो मेरे बाल ठीक लगने नहीं लग रहा, तो मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती नहीं हूँ। सनडांस और बर्लिन दोनों में वी वॉच द फिल्म विद अ डिफरेंट ऑडियंस ऑल टुगेदर। वो एक ऐसी ऑडियंस थी जो हिंदी बोल भी नहीं पाती थी, तो हमें ये लग रहा था कि मुझे ये लग रहा था कि वो कैसे कनेक्ट करेंगे अ स्टोरी जो बॉम्बे में सेट है, लोग हिंदी बोल रहे हैं, उनको जोक समझ आएंगे नहीं आएंगे, उनको वो इमोशन समझ आएगा नहीं आएगा। बट मुझे लगता है फिल्मों का, प्यार का, और ये जितने भी इमोशंस हैं इनकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लैंग्वेज इसको डिफाइन नहीं कर सकता। मतलब अगर कनेक्शन बनना है तो अगर आप हिंदी बोलते भी ना हो, ये तो फिल्म देख कर आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सनडांस में बहुत सारे लोगों ने फिल्म देखी, 1800 कुछ लोगों ने फिल्म देखी जहाँ हमारा प्रीमियर हुआ, और बर्लिन में भी बहुत ही बड़ा वेन्यू था और बहुत सारे लोग वहाँ पे देख रहे थे।
तो जब हम देख रहे थे कि लोगों को इतनी पसंद आ रही है, तो आई वाज जस्ट होपिंग कि व्हेन जब हमारी फिल्म इंडिया आएगी तो वही कनेक्शन अपनी ऑडियंस को भी फील हो इस फिल्म से. और आई एम श्योर होगा, क्योंकि बहुत ही रिफ्रेशिंग है एज एन ऑडियंस. When you watch the film, you want to know these two characters, you want to be a part of their life and want to know them more. तो मुझे लगता है कि आई होप जब हमारी ऑडियंस ये फिल्म देखे तो उनको भी इतना ही अच्छा लगे जितना ट्रेलर अच्छा लगा या सन डांस और बर्लिन में लोगों को पसंद आए. मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये फिल्म मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है. अगर आप लोगों ने ट्रेलर नहीं देखा है फोटोग्राफ का, तो प्लीज़ प्लीज़ जाके देखिए, यूट्यूब पर है ये ट्रेलर. और 15th मार्च को ये आ रही है. फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, इज़ डायरेक्टेड बाय रितेश पत्रा. ये दो बहुत ही बेहतरीन लोग हैं और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला. प्लीज़ 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 जाके देखिए फोटोग्राफ 15th मार्च को.